आठ लोक सभाव के उसमें आप आ, आ, शामिल हो रहे हैं तो जैसा कि मैंने पहले दिन भी बताया कल भी बताया रोज थोड़ा रिपीट करते रहता हूं तो हमें ये लोक व्यपत्ति सूत्र ये जो आठ लोक सभाव है लोक धर्म जिसे हम कहते हैं या इंग्लिश में जिसे द फीलिंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं या फिर विशिष्ट ऑफ द लाइफ कहते हैं जीवन के अवलेंट फेर कह सकते हैं इसको उतार कर सकते ये जो बातें है आ, जो बाते आ, आई है तो ये अभिधम अंगुतर निकाय में लोक विपत्ति सूत्र में ये सारी बातें आई है उसके अलावा भी अन्य सूत्र में बातें आई है जैसे कि मैंने बताया हूँ आप उनको भी देख सकते हैं वहां पर आ, इन बातों का जिक्र हुआ है और संगीति सूत्र है और दस उत्तरा सूत्र है महाप्रज्ञा सूत्र है और विशुद्धि मग में भी ये बातें आई है तो तथागत आ, जो हमारी जिंदगी है जो जीवन है उसमें आने वाले चढ़ाव उतार के बारे में हम बताते हैं और ये चढ़ाव उतार हमेशा आते हैं कभी जैसे हवा का रुख होता है इधर कभी हवा का रुख उधर होता है उसी तरह ये बातें हमारे जीवन में आती जो रह, आते रहते आते रहती है जो चार बातें चार जोड़िया हमने देखी है हा? हानि और लाभ है अपयश है और यश है निंदा है और स्तुति है और दुख है और सुख है ये जो, जो जोड़िया है हमेशा इनका हम अनुभव करते हैं इनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में जैसा हवा है हवा को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो कुछ हद तक के हम इन बातों को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हम ऐसी परिस्थिति में किस तरह से अड़िग रह सकते हैं किस तरह से स्थिर रह सकते हैं उसको हम देख सकते हैं और धम के माध्यम से देख सकते हैं तो बुद्ध ये जो सूत्र जब ये जो सूत्र उस संदर्भ में आया है जो धर्म पर स्थापित लोग है वो और धम्म पर स्थापित नहीं है वो लोग लोग तो उन जो पर स्थापित लोग है वो इसे कैसे देखते हैं जो धर्मों पर स्थापित नहीं है वो इन्हें किस तरह से देखते हैं वो बुद्ध इस सूत्र में बताने की कोशिश करते हैं और हमने अभी तक की दो जोड़िया भी देखे हैं हमने हाथ आने और लाभ भी देखा और अपय और यश भी एश भी देखा और उसको हमने ये भी कोशिश की हमारे जीवन में हमारे हमारा जो अनुभव है हम आम जीवन, जीवन जो जीते हैं तो हमारे जीवन में यह बातें किस तरह से प्रभावित करती है किस तरह से हमें उनका अनुभव आता है इसको भी हमने कल गुट चर्चा के माध्यम से और सवाल जवाब के माध्यम से हमने देखा है तो हम ये दे सकते हैं कि तथागत बुद्ध भी इन बातों से नहीं छूटे हैं हाँ तो कल मैंने बहुत सारे उदाहरण भी बताया बुद्ध के जीवन के बताया और भी बताया आपको पार्किंग का उदाहरण भी बताया था और और बहुत सारी बातें मैंने बताई थी तो आज भी हम दूसरे जो बची हुई दो जोड़िया है वो हम देखने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके पहले ए, मैं महापरिनिर्वाण सूत्र का मैं उल्लेख करना चाहूंगा महापरिनिर्वाण सूत्र में अंतिम समय जो है तथागत का अंतिम समय उसकी सारी बातें वहां पे बहुत ही विस्तृत पूर्ण आई है महाय सूत्र में हम हम देख सकते हैं और आनंद से जो उनका वार्तालाप होते रहता है और जब यात्रा के अंतिम यात्रा के समय में वो कुशीनारा जाने के लिए निकलते हैं वैशाली को पीछे छोड़ देते हैं तो वो सारे बातों से वो बुद्ध किस तरह इन बातों को देखते हैं जिस तरह से मैं उतार चढ़ाव कह रहा हूँ जिस तरफ से लाभ आने की बात किया मैंने या शवेश की बात किया तो हम अः देखते हैं तो बुद्ध को बुद्ध को वैशाली बहुत ही प्रिय रहती है वो बहुत वो कहते हैं कि मेरे जीवन का बहुत सारा काल मैंने वैशाली में बिताया है बहुत सारे वर्षावाद अधिकतर वैशाली में हो रहा है लेकिन उस समय जाने के समय में भी कुछ अंतर जाने के बाद में भी फिर लौट वो वैशाली की तरफ में देखते हैं कि वैशाली नगर को ये प्रणाम करते हैं कहते हैं कि मेरा ये अंतिम आपकी भेंट है इस नगर को मैं अंतिम बार देख रहा हूँ यानी वैशाली नगर छोड़ने का भी उनको गम है एक तरह से देखे तो जिस तरह से हम हानि और लाभ को देखते हैं बुद्ध को भी भावनाएं थी बुद्ध भी वो जानते हैं कि वैशाली नगर को छोड़कर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा हम हम देख सकते हैं वहां की सुंदरता वैशाली की वहाँ का पूजा स्थान वहाँ का वन परिसर ये सारी चीजें हम हम ये हम देख सकते हैं बुद्ध को ये भी देख सकते हैं हम कि जब उनको बोधि प्राप्त हुई बोध गया में छह सप्ताह या सात सप्ताह बिताए हम जानते हैं इस वृक्ष के नीचे उस वृक्ष के नीचे उस जो भी वृक्ष अजपाल निग्रोध है और बाकी भी वृक्ष है है क्या हम देखते हैं कि अलग अलग जगह में अलग अलग स्थानों में वहां पर वो चिंतन करते रहे और अपने जो संबोधि का आनंद है उसको लेते रहे और हर एक की कृतज्ञता को व्यक्त करते रहे क्योंकि वो वहां से निकलने वाले थे उनको वो पीछे छोड़ छोड़ने वाले थे उनसे वो अलग होने वाले थे तो वो भी कृतज्ञता वहां पर वो व्यक्त करते हैं हम ये देखते हैं कि मोगल का हो हो गया सारी का भी हो गया सारी बुद्ध के काल में ही हो गया उन, उनके उ, उनके रहते हो गया तो ये दो शिष्य जो है उनके अग्रणी जो है जिनको संघ के अग्रणी कहते थे सेनापति कहा जाता था उनका भी उनका भी बहुत उन्हें दुख हुआ और उसके बाद में जो अः हुई या उसके बाद में जो आ, भिक्षु संघ इकट्ठा हुआ है दोनों के जाने के बाद में तो बुद्ध क्या कहते हैं बुद्ध कहते हैं यह असेंबली यह जो जमाव है ये बुद्ध की ये जो भिक्षुओं का संगठन इकट्ठा आया है तो ये जो है ये असेंबली मुझे सुने सुने से लग रही है मतलब उनको भी ये दो को खोने का भी गम उनको हुआ है। जैसा कि हमको भी होता है, अपने आप, अपने, अपने वाले चले जाते है या रिश्ते हैं हानि महसूस करते हैं अपने जीवन में उनकी कमी महसूस करते ने भी वो कमी महसूस की है तो वो कहते हैं कि ये जो असेंबली है ये जो जमाव है मुझे बहुत ही सुनी सुनी लग रही है हा? मैं उनको मिस कर रहा हूँ इस तरह से वो, वो बताते हैं वो क्योंकि उनको पता है वो क्या खोया उन्होंने वो जानते हैं उनका महत्व कितना है आ? वो जानते हैं इसलिए वो वो कहते हैं और लेकिन उससे भी वो ऊपर उठते हैं और फिर अपना जो आगे का क्रम है वो वो जारी रखते हैं हम देखते हैं चुंद का उदाहरण देखते हैं चुंद का खाना खाने से अंतिम खाना अंतिम भोजन कह सकते हो वो, वो खाना खाने से उनकी तबियत बिगड़ गई और हो सकता है कि उसी के कारण उनकी बहुत ही स्वास्थ्य में गिरावट आई वो जानते थे चुंद ने जानबूझ ये नहीं किया है चुंद ने जानबूझ कर नहीं किया इसके कारण उनकी सेहत की हानि हो रही फिर भी उन्होंने आनंद को कहा कि चुंद के बारे में कुछ भी मत कहना अन्य लोगों को मत बताना नहीं तो चुंद पर वो गुस्सा करेंगे देखिए ये जो गम है ये जो हानि है ये जो हजम करने की जो शक्ति आती है वो धम्म कितना ताकतवर है वो हमें बताता है इससे वो हम हम चीजें ये लेना चाहिए और जब कुशीनारा जाने का समय आया तो आनंद कहता है कि कुशीनारा से भी और अच्छी जगह है आप महापरिनिर्वाण को जाना चाहते हैं आप उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी तो कोई और, और स्थान आप चुन सकते हैं इनसे बेटर इससे अच्छी जगह को चुन सकते हैं तब बुद्ध आनंद को भी कहते हैं आनंद को क्या कहते हैं कि मैं कुशीनारा ही पसंद करूंगा आनंद तुम जानते नहीं हो वह एक समय में वह जगह बहुत समृद्ध थी बहुत ही प्रसिद्ध थी और वो समृद्ध थी और उसका इतिहास बड़ा ही समृद्ध इतिहास है कुशनारा को आप कम मत समझो आप कम मत समझो इस तरह से आनंद को वो समझाते हैं और फिर कुशनारा के बोल जाते हैं अपना अंतिम समय के बारे में हम देखते हैं कि बुद्ध के समय में भी कुछ भिक्षु संतुष्ट नहीं थे यानी यश और अपयश की जब बात करते कि बुद्ध इतने महान होते हुए भी कुछ भिक्षु संतुष्ट नहीं थे आपको सुभद्र का उदाहरण पता है अच्छा हो गया बोलते कि बुद्ध गए ये 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 करो 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 वो मत करो, ये मत करो, ये करो, ऐसी बातें बताते थे बहुत निरंतर रहते थे अब हम आजाद हो गए इस तरह से उसने खुशी जताई थी सुभद्र ने भी मतलब बुद्ध के समय में भी ऐसे कुछ लोग थे कि जो बुद्ध की ऊंचाई को भी नहीं देख सकते जैसा देव देवदत्त ने नहीं समझा है तो इस तरह से यश और अपय ये तो हमारे आम हम तो हम तो बहुत सर्व सामान्य आदमी है जीवन जीने वाले ये तो बुद्ध के समय में भी ये बात है और बुद्ध के समय में भी ये हुई है तो ये आ, कल कल हमने दो बातों को लाभ और हानि और और ये, ये प्रेस को ऑप्रेस को हमने आ, देखने की कोशिश की थी आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे आज हम देखेंगे आ, प्रेस एंड ब्लेम यानी प्रशंसा और निंदा स्तुति और निंदा जिसको हम कहते हैं उसको हम देखेंगे. देखने के कोशिश करते हैं जब कभी हमारे तारीफ करते हैं कि अच्छा प्रवचन दे रहा फिर अच्छा काम किया अच्छा पूजा स्थान किया अच्छा लेखक है अच्छा गायक है अच्छा कवि है सारे जब जब भी अच्छे अच्छे बातें तो हम फूले नहीं समाते हमको बहुत ही आनंद होता है हा? हम मेंढक की तरह कभी कभी फूल जाते हैं हमारा हमारा ध्यान नहीं रहता हम जागरूक नहीं रहते आ? लेकिन जो रहता है, है, है। देखिए आपको संदेश भेजा था आपसे मिलना है आपका चेहरा देखने का है और मुझे अंतिम दर्शन दे दीजिए तो बुद्ध ने बुद्ध ने देखा उनको कहा बुद्ध ने आप, आपको पता है वो? अरे इस नश्वर चेहरे चेहरे को क्या देखते हो तुम हाँ इस इस नश्वर चेहरे को क्या देख देखना है इसको तो शरीर जर्जर है अभी देखना है तो मेरी प्रज्ञा को देखो मेरा प्रज्ञा का आदर करो इस तरह से बुद्ध उनको बताते हैं इस तरह से उनको बताने की कोशिश करते हैं कि जो देखना है वो प्रज्ञा के देखो ये नश्वर शरीर को मत देखो इतनी स्तुति मत करो मेरी इस तरह से उनको बताते हैं हम हाँ तो प्रशंसा कानों को बहुत मधुर लगती है हाँ हम देखते हैं, लेकिन अगर सही है तो ठीक है हमें कुछ वो, कुछ हद तक के खुशी दे सकती है कुछ हद तक के हमको अच्छा लग सकता है लेकिन कभी कभी चापलूसी करने वाले भी लोग होते हैं, हाँ और लेकिन चापलूसी भी सुनने में अच्छी लगती है लेकिन मैं कहता हूँ कि आ, जो सही प्रशंसा है या चापलूसी है इसको हमने देखना चाहिए बहुत लोग बहुत होशियार होते हैं बहुत चापलूसी करते हैं उनको कुछ हासिल करने का होता है आपके बारे में दो की जगह चार शब्द कहेंगे आप में जो गुण नहीं है वो भी वो कहने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको कुछ तो भी पाना होता है आम जीवन में आप देखो आप जब केंद्र में जाते हो शिविर में जाते हो जहाँ काम की जगह वहां जा, जाते हो हर जगह में अगर किसी रिश्ते वाले को किसी मित्र को आपसे पैसा लेना है तो आपके बहुत तारीफ करेगा बहुत तारीफ करेगा हाँ तब तो आपने सावधान आप सावधान हो जाते हो अरे वो आपने बहुत तारीफ कर रहा क्या बात है इसको क्या? किस चीज की जरूरत है है ना ये आप आप सबका ये अनुभव होगा ये क्योंकि ये क्या है ये आम आम जिंदगी की बात है कि प्रशंसा करना अच्छा लगता है बच्चों को भी अच्छा लगता है बच्चे भी आप किसी के यहाँ जाते हैं मिलने के लिए तो छोटी सी बच्ची आपके सामने आती है और वो कोई पोएम की किताब लेके आती है और आप कहते हो कि एक पोएम बता मस्त खुशी से गाती है और जब आप उसको मतलब बहुत अच्छा गाए तो बहुत खुश हो जाती है बहुत खुश हो जाती है वो अरे बच्चे से लेके तो बूढ़े तक के अज्ञानी से लेके तो ज्ञानी तक के प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है लेकिन ये प्रशंसा है या चापलूसी है इसमें भी हमने सजग रहना चाहिए क्योंकि ये चापलूसी धोखा देने वाली होती है, है देखिए कोई भी कोई भी बात है जो कोई कहता है हमारे बारे में जब तक हमारे कानों तक नहीं पहुंचते तब तक वो क्या रहता है केवल साउंड रहता है केवल साउंड रहता है है ना जब तक हमारे कानों तक नहीं पहुंचते उस तब तक वो साउंड केवल ध्वनि केवल आवाज रहता है अब जो आवाज हमारे कानों तक जब पहुंचता है तब उ उसको हम कविता कह सकते हैं उसको प्रवचन कह सकते हैं इसको अः और भी कुछ कह सकते हैं जो, जो 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 जिस जैसा भी हम समझे उपदेश कहिए कथा कहिए जो भी है वो जब लेकिन वो साउंड हमारे कानों तक पहुंचने के बाद में ये सारी बातें तो जब हमारे कानों तक कुछ बातें आती है तो सही में वो क्या चीज है वो हमने जानना चाहिए हाँ केवल तो ये क्योंकि उसको जानने के लिए हमारा मन कार्य करता है जो भी शब्द हमारे कानों पर आते हैं वो वो जानने के लिए कार्य कौन करता है हमारा मन मन आ, करता है संरक्षित क्या बोलते हैं पता है आपको? Mantra, mantra, है आपको मंत्रा मंत्रा आप किस तरह से लेते हो उस पर डिपेंड है ऐसे एक जगह में हो जब वो मेडिटेशन के मेडिटेशन का टॉक है उसमें वो बताते हैं ऑल साउंडस आर मंत्रा आप पे निर्भर है वो साउंड आप किस तरह से लेते हो है ना तो ये तो ऐसा है कि जो सुसंस्कृत व्यक्ति होता है वो न तो चापलूसी चापलूसी करता है न ही वो दूसरों को अपने लिए पसंद नहीं करता यानी वो वो स्वयं भी भी नहीं करता और दूसरों को भी वो मना करता है चापलूसी करने के लिए जो तो सुसंस्कृत है जो प्रज्ञावान है जो धर्म पर स्थापित है वो क्या करता है चापलूसी से स्वयं भी नहीं करता और दूसरों को भी नहीं करने देता है ना बुद्ध की भी प्रशंसा की जाती थी तब तो

तो हम हम क्या करते हैं कि आप आप आज राजकारण में देखते हो फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे कहीं पे भी देखेंगे तो अपना वारिस छोड़ के जाते हैं धरानेशाही जिसको कहते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर हो गया उसका बेटा हो गया उसकी बहू हो गई उसके कोई तो भी परिवार के ही रहेंगे ये परिवारवाद बुद्ध ने कभी परिवारवाद नहीं किया बुद्ध ये इस तरह से जो उन्हें पता था कि अन्य अन्य जो आ, जो संप्रदाय थे और जो उस समय में कार्यरत थे उनसे भी इनकी शिश्य, इनकी शिष्य अधिक थे इनको अधिक लोग पसंद करते थे इनको दान देते थे इनको विहार बांध के देते थे इनको का सारे देखभाल करते थे फिर भी बुद्ध ने कभी वो ये ये सारी बातों का ये जो उनकी जो अचीवमेंट थी उसका कभी अहंकार नहीं किया है जो उपाले है उपाले का उपाले का नाम आपको पता है बहुत ही धनी व्यक्ति था उपाले बहुत ही धनी था उपाली तो एक बार बुद्ध के सौ गुण उन्होंने गिनाया बुद्ध के सामने कितने सौ गुण बुद्ध के और आपको पता है कि बुद्ध के नौ गुण है नौ गुण पे पूजा होती है जब बुद्ध पूजा हम करते हैं तो बुद्ध के नौ गुणों की हम पूजा करते हैं उनके उन पर चिंतन करते हैं तब उपाले को भी उन्होंने कहा था कि उपाले आप इस तरह से मेरे गुणों को मत गिनाइए आप उस तरह से लोगों ने आचरण करना चाहिए भिक्षो ने आचरण करना चाहिए इस पर ज्यादा जोर दीजिए मेरी पूजा करना यानी गुणों की पूजा कीजिए आप मेरी मत पूजा कीजिए इस तरह से उपाली को भी बताया था उन्होंने तो ये जो ये जो प्रशंसा वाली बात है ये आ, हमें बहुत कभी कभी अड़चन में डाल सकती है क्योंकि आ, हम उसको परखना चाहिए कि प्रशंसा सही हो रही है या गलत हो रही है हाँ उससे लोग क्या हासिल करना चाहते हैं वो भी हमने देखना चाहिए तो देखिए अभी सर्व साधारण हम देखते हैं कि आप में से कोई मित्र है भाई है हैचारी भाई है वो जिम्मेदारी लेते हैं केंद्र में कोई कार्यक्रम रहेगा ठीक है पूजा स्थान की टीम ये रहेगी गाता फंड की टीम ये रहेगी ये फलाना ये जो है वो प्रचार प्रसार करेंगे कुछ जो है डोनेशंस जमा करने का काम करेंगे तो पूजा स्थान करने वाले जो भाई होते हैं क्या तो पूजा स्थान तो बहुत बढ़िया होता है आप शादी लगाने जाते हो कभी कभी आप हमको देते हैं लोग कि आप आइए और आप पूरा पूजा स्थान किए और पूरा विधि जो है वो आप कीजिए तो आप जब फोटो फोटो किस तरह हमारा पूजा स्थान एक विशिष्ट प्रकार का होता है हम भंते को रखते हैं बाबा साहब को भी रखते हैं स्टेप्स बनाते हो तो कुछ लोग बहुत ही प्रशंसा करेंगे क्या बढ़िया पूजा स्थान हो गया क्या आकर्षक हो गया आपने जो गुलदस्ता रखे उसके फूल सिमेट्रिकल दिखना चाहिए एक जैसे दिखना चाहिए इस तरह से उसकी रचना की वगैरह लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको दोष देने वाले अरे या ऐसा है क्या ऐसा पूजा स्थान रहते हैं क्या केवल बाबा साहब का फोटो रखो अमुक फोटो मत रखो आपने अमुक शादी लगाए आपने महामंगल सूत्र कहा आपने जयमंगल अट्ठा नहीं की इस तरह से कार्यक्रम कितना भी अच्छा हो पूजा स्थान कितना भी आकर्षक हो लेकिन आपको लेबलिंग करने वाले ब्लेम करने वाले लोग तो मिलेंगे ही नहीं आपने ये ये सब अच्छा है लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया आपने गाथा पठन में वो लेना था शादी लगाने के टाइम बोलते हैं लेकिन बाकी 100 परसेंट पूजा अच्छा रहता है तो इस तरह से कितना भी अच्छा कीजिए तो आपको दोष देने वाले लोग मिलते ही है ना तो क्या है जो लोग जो लोग ब्लेम करते हैं उनकी उनके उनका मकसद ये होता है वो किसी चीज पर वो कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन जब वो कंट्रोल नहीं कर पाते तब क्या होता है वो जिसको बोलते हैं जो फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाहर निकलता है वो बाहर निकलता है कि जैसा कि मान लीजिए कि आपने कोई कार्यक्रम चल रहा आपने किसी को केंद्र कही किसी धर्मचारी बोली या धर्म मित्र भाई को या बहन है उसको बोला कि इस इस इसका प्रवचन आप दीजिए लेकिन उस समय में किसी दूसरे की इच्छा थी इनका बहुत ही अच्छा प्रवचन हो गया कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया बहुत तालियां बजाए और अच्छी अच्छी बातें अच्छे बाते, अच्छे रेफरेंस दिए लेकिन जिसके मन में यह था कि मुझे प्रवचन मिलना चाहिए वो वो क्या देखेगा केवल इस तरह से कोई प्रवचन देता है क्या आ? ये अनुभवी नहीं है इनको आपने बुलाया उन्होंने ये बात ठीक से नहीं बताई उन्होंने ये बात ऐसा नहीं किया उन्होंने लंबा खींचा इस तरह से क्यों कि उसका जो फ्रस्ट्रेशन है उसको उसको वो चीज नहीं मिली करने को उसका फ्रस्ट्रेशन इस ब्लेम में आएगा यानी ब्लेमिंग यानी क्या दोषारोपण करना यानी क्या जिसकी निंदा करने निंदा करने हैं क्या वो अवसर देखते हैं कि अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने के है जैसा वो आपको बंदर शायद बंदर ही है ना वो जो जिसको ए, जो ग्रेप्स है द्राक्षी जिसको बोलते हैं अंगूर जो है अंगूर नहीं मिले तो खट्टा है बोलते हैं ना उसको नहीं मिला तो तो अंगूर कैसे खट्टे अदरवाइज वो मीठे रहते हा? जो बंदर को अगर अंगूर नहीं मिले तो क्या आगे जान दो खट्टे मैंने खाता इस तरह से आने उसका जो फ्रस्ट्रेशन इस तरह से वो निकलता है इस तरह से लोग हमको ब्लेम करते हैं इसको इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं इसको इल्यूजन ऑफ कंट्रोल यानी एक कंट्रोल करने का भ्रम होता है मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता ये बात मेरे कंट्रोल के बाहर गई तो ये भ्रम होता है कि मैं कोई भी चीज को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ये हमारा भ्रम है हम हवाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते इधर हवा बहेगी उधर हवा बहेगी दिशा इस तरफ रहेगी उस तरफ रहेगी तो उसी तरह से हमारे जिंदगी के ये जो जोड़े हम देख रहे हैं ये हमारे हाथ में हमेशा रहेगा ही कंट्रोल ऐसा नहीं है और ऐसा जब कंट्रोल नहीं रहता तो हमारा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता है इसको इलुजन ऑफ कंट्रोल इल्यूजन यानी भ्रम भ्रम कहते हैं आपको पता होगा आप रेगिस्तान में जाते हो, जाते हो तो ऐसा लगता वो वो तो है, उसको, उसको है तो इस तरह से होता है ये भ्रम होता है तो ये कंट्रोल करने का भ्रम उसके कारण में ये ब्लेमिंग होता है ये निंदा होती है ये स्तुति नहीं होती है और हमें लगता है कि ऐसा करने से हमारा पावर यानी दूसरे को आहत करने से ऐसा लगता है कि हमने उसको नीचा देखने की कोशिश की यानी मेरा विजय हो गया मैं सक्सेसफुल हो गया इस तरह से आ, इस तरह से वो अः देखते इस बात को मेरी आवाज आ रही है ना कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज ठीक से नहीं है मुझे तो लग रहा आवाज ठीक आ रही है तो आपको पता है इस संदर्भ में बुद्ध के बुद्ध के काल की आपको बातें पता है कुछ मैं एक दो उदाहरण दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे जैसे कि बुद्ध बुद्ध को एक ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया था भोजन के लिए आपको पता है फिर बुद्ध गए उनके शिष्यों के साथ में आनंद भी साथ में थे और फिर वो जो जिसने बुलाया था इनवाइट किया था उनको तो बहुत सारी गालियां दी उन्होंने एक एक से एक से जितने उसको बुद्ध कहते रहे थे और कुछ बोलने का है आपको और कुछ बोलने का है आपको फिर वो गुस्सा हो गया तो इतने सारे गालियां दे रहा हूँ फिर भी बुद्ध स्थिर है और बोल रहे कि और भी कुछ है क्या चीजें देने के लिए आपके पास में और फिर बुद्ध शांत होते और फिर बुद्ध ये बताते कि अगर आपने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया अभी है और मैंने वो ग्रहण नहीं किया वो तो खाना किसके पास में रहेगा तो वो बोलता है ब्राह्मण बोलता है वो मेरे पास में ही रहेगा जिसका खाना तो बोलता है इसी तरह से आपने जो जो भी बातें मेरे बारे में कही जो जो भी अब शब्द मेरे बारे में कहे हैं वो शब्द मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूँ उसमें स्वीकार नहीं कर रहा हूँ एक शब्द आप के पास में है और बहुत लज्जित हो जाता है वो लज्जित होता हो जाता है निंदा करना आसान है है ना निंदा बहुत ही आसान है लेकिन वो जब अपने पे बीतती है तब बहुत मुश्किल लगती है तो उस समय में फीलिंग क्या हो, 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 हो आप पता है कि ये इंसान पर स्थापित लोग रहते हैं इस तरह से वो स्थिर रहते हैं वो तो बुद्ध थे हम तो आम आदमी है ना बुद्ध की बात अलग ही थी लेकिन कोई भी जो जानता है कि ये, ये उसका गुस्सा है ये उसका रिसेंटमेंट है या उसका फ्रस्ट्रेशन है जो निकालना चाहता है उसके भड़ास जिसको बोलते हम वो भड़ास निकालना चाहता है तो दूसरे व्यक्ति जो है वो जो प्रज्ञावान है जो जा, जो धमक समझता है वो शांत रहेगा वो कहेगा कि अभी ये जो पेट्रोल है इसके पास में मैं माचिस की तिल्ली नहीं जलाऊंगा वो पेट्रोल को पेट्रोल रहने दो है ना इस तरह से वो सोचता है वो माचिस की तिल्ली नहीं जलाता नहीं तो क्या हो जा? वो भड़क जाएगा जाएगा वो तो ये बातें हम आम जीवन में भी पर, हम परिवार में रहते हैं परिवार में दो लोग चार लोग नहीं क्या, बीबी, बच, बच्चे रहते हैं भाई कभी देवर भाभी और और भी और लोग रहते हैं तो ये बातें होते रहती है उस समय में जिसको कुछ कहा जाता है वो अगर शांत रह जाए तो कुछ समय के बाद में कि इतने बोलने के बाद में भी इसको कुछ परिणाम नहीं हो रहा तो जो बोलने वाला है वो थक जाएगा और शांत हो जाएगा अब जो शांत हो जाएगा ये वातावरण जब आपने समझा के बताया कि ये बात ऐसी ऐसी गई इसलिए मैं ये कह रहा कह रहा था या कह रही थी तो शायद वो मामला वहां से सुलझ सुलझ सकता है तो इस तरह से ये जो जो ब्लेमिंग जो है, जो ब्लेमिंग है के बारे में हमने बहुत ही सहनशील रहना चाहिए सजग रहना चाहिए नहीं तो वो क्या अरेला कार्य बोलते हैं मराठी में उस तरह से वो बात हो जाएगी है ना हो जाएगी अभी आप देखते हो ये तो आ, ये तो आ, ये घर गृहस्थी में भी ऐसा चलता तो, है आपने यशुष ख्रिस्त को देखा होगा यशु ख्रिस्त को देखा होगा यशु ख्रिस्त इतना वो धर्म प्रचारक था नहीं का उन्होंने नए धर्म के साथ में प्रचार किया बहुत सारे शिष्य थे उसके बाद में भी उसके बाद में भी उनके टीकाकारों ने उसको सूली पे चढ़ा दिया हाँ उसको सूली पे चढ़ा दिया है सॉक्रेटिस और तो फिलोसफर था सॉक्रेटिस बहुत बड़ा फिलोसफर था हाँ उस समय जो जो प्रचलित पद्धतियां थी उस समय की तो उस समय के प्रचलित पद्धतियों के विरुद्ध जाकर उन्होंने अपना मत रखा था अपने फिलोसफी रखी थी और कुछ लोगों को वो पसंद नहीं थी तो साक्रोटिस को पता है क्या 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 आ, क्या हुआ उसके साथ में उसको साक्रोटिस को विष दिया गया जहर दिया गया उसकी बीबी जब भी वो बाहर निकलता था घर से बहुत खरा खुटा थी बहुत गालियां देती दे, बहुत गाली देती और वो गालियों को वो फूल समझ कर वो बाहर निकलते थे एक दिन की बात है एक दिन क्या हो गया उसके बीबी ने गालियां नहीं दी वो उदास हो गए और फिर उसके दोस्त पूछते क्यों भाई आप बहुत उदास दिख रहे आज आपका चेहरा थोड़ा सा बोले हाँ आज रोज की तरह रोज की तरह मेरा दिनक्रम नहीं हुआ क्या हो गया कैसा दिनक्रम नहीं बोले रोज मैं निकलता हूँ तो मेरी बीबी गाली देती है और मैं उसको फूल समझ के लाता हूँ अपने आप पर कार्य करता हूँ मेरे सहनशीलता पे कार्य करता हूँ और मैं अपने तरफ में देखता हूँ आ, अपने स्वभाव की तरफ देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत मदद होती है लेकिन आज उसने मुझे मदद नहीं की इस तरह से वो देखते हैं तो है मराठी है, है में निंदकाचे घर असावे शेजारी जो उसने अपने टीका टिप्पणी करते हैं वो हमारे पड़ोस में होना चाहिए ताकि हम अपने स्वभाव पर कार्य कर सके हम भी कभी कभी हम जब अपने चैप्टर में जाते हैं मित्र चैप्टर होते हैं के होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जो भी है मुझे सही फीडबैक देना मैं भी बहुत लोगों को कहते रहता हूँ कि कार्यक्रम हो गया या फिर मालिक का कि भाई आप सही में फीडबैक दीजिए और कुछ लोग सही फीडबैक क्रिटिकल फीडबैक जिसको हम बोलते हैं कि अपने स्वभाव को कार्य करने के लिए कि आपने किस तरह से प्रवचन दिया आ, या आप आ, किस तरह से अपने बात रखी या किस तरह से आप कार्य करते हो किस तरह से मीटिंग में आप पेश आते हो उसके बारे में जब हम फीडबैक मांगते हैं तो फीडबैक है उसको टीका नहीं समझते हुए वो दोषारोपण नहीं समझते उसको सही मायने में अगर लिए तो हम अपने स्वभाव पर हम कार्य कर सकते हैं तो ये निंदा का भी वैसी बात है हम अपने स्वभाव पर हम कार्य कर सकते हैं आपको उसके बाद वो उसका नाम वो, मालके, वो मोलकर जो नौकराने थे और मालकिन उसके बात पता होगी बहुत ही शांत घर मालकिन रहती उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा तो बुद्ध और उनके धमा भी आए आए है बात बहुत बार हम बताते गुस्से पे कार्य करने वाले है क्या वो देर से आते तो मालकिन बोलती आज बहुत देर हो गई दूसरे दिन देर से आते बोले कल भी देर से आई आज भी वो आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे तो ऐसी बात है ना क्या और फिर एक दिन बहुत देर से आती है कुछ काम भी तो मालकिन क्या करती है जो हाथ में आता है उसको सर पे दे पटक दिए और फिर घर के बाहर निकलती है वो नौकरानी और कहती है कि देखो आप मेरे मालकिन को बहुत बहुत शांत समझते थे अच्छी समझते दे, देखो उसने मुझे ये मारा मेरा खून निकल गया मतलब जो स्वभाव जब वो विपरीत परिस्थिति रहती है जब सही परिस्थिति रहती है तो सारी चीजें अच्छी होती है लेकिन जब विपरीत परिस्थिति रहती है उसमें हमारा जो मूल स्वभाव है वो बाहर आता है तो इसके लिए जो प्रशंसा है और ये जो निंदा है इसको हमने सही ढंग से हमने देखना चाहिए तो मुझे लगता है कि ये जो दो तीन उदाहरण हैं, हम इसको देख सकते हैं। तो ये ये आ, और ये तो आम बात है ये इसका अनुभव हम हमेशा करते हैं। आप सेंटर पर कितने भी अच्छे काम करते होंगे लेकिन कोई तो कोई ना कोई तो भी उसकी खामियां निकालता ही है, है ना या फिर आप जिस जगह में काम करते हो आ? वर्क प्लेस है वर्क प्लेस में भी ऐसा कभी कभी होता है कितना भी काम करो तो कोई फेवरेट फेवरेट कोई जो फेवरेट जो, ओ, जो जो आदमी रहेगा अपने बॉस है या फिर आ, तो उसको हमेशा उसको, उसको, उसको उसकी प्रशंसा की जाती है है ना उसको उसको बेनिफिट दिया जाता है लेकिन कोई विशिष्ट व्यक्ति रहता है तो जानबूझकर उसको ब्लेम करते रहते हैं जानबूझकर उसको क्या करते रहते हैं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये जो स्तुति है और ये निंदा है ये हमारे जीवन का एक भाग है लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हवा जो है कभी इधर बहती है कभी उधर बहती है तो कभी, कभी प्रशंसा होगी कभी निंदा भी होगी दोनों के लिए हमने तैयार रहना चाहिए हमने क्या करना चाहिए उसको एक तटस्थ भाव से हा? वो हम इम्पार्शल रह के जिसको उपेक्षा भाव कह सकते हैं उस तरह से हम उसको देख सकते हैं और अपने अपने आप पर कार्य कर सकते हैं हम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं हम प्रशंसा में भी ज्यादा फूलना नहीं चाहिए और कोई दोष देता है तो भी ज्यादा दुखी होना नहीं चाहिए उसको सोचना चाहिए सही तरह से देखना चाहिए कि इसने ऐसी बात क्यों कही उसके पीछे का क्या कारण होगा और सही कारण है तो आप उसमें हम उसमें क्या कर सकते हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं अपने स्वभाव में हम बदलाव कर सकते हैं तो म, म, मैं समझता हूँ कि ये जो बात है मैं जो कह रहा हूँ अभी ये निंदा और स्तुति तो मुझे लगता है समझने के लिए ज्यादा कठिन नहीं है और ज्यादा दिक्कत वाली भी बात नहीं है क्योंकि ये आम बातें बातें हैं ना कि बुद्ध के जीवन की भी कुछ कहने की अब आप, आप जैसे ऑफिस में काम करते हो परिवार में ये तो बातें होती रहती है ना क्या कभी आपका खाना अच्छा बना तो बहुत कोई तारीफ करेगा और एक दिन थोड़ा सा भी नमक ज्यादा हो गया तो वही जो हमेशा तारीफ करने वाले थे वो आपको खरी खोटे सो ख्याल किधर रहता है आ, इतने चार लोगों का खाना नहीं बना सकते ये सारी बातें तो आम जिंदगी में चलते रहती है लेकिन ये चलते रहता है कभी खुशी कभी गम है है चलते रहता है। तो मुझे लग, और ये हम क्यों देख रहे है? इसका फिलोसफिकल जो है पोजिशन वो मैं कल बताने की कोशिश करूंगा पीछे इसके पीछे और स, आ, क्या क्या कारण है इसका साइकोलॉजी क्या है वो भी मैं कुछ कर, कर, करने की आ, कहने की मैं कोशिश करूंगा तो जो विंड ऑफ चेंज जो बोलते हैं जो हवा का प्रवाह जो रुख जो है जो बद, बदलाव होता है हवा में हवा के रुख में तो उसको हमने हमारे प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस हमने गहरे, गहरे प्रैक्टिस करके और उसको तत्व को अच्छी तरह से सोच समझ के हम इस पर हम कार्य कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है तो हमने ये, ये जो इनको जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हवा का रुख है ये जो हवा की दिशाएं है कभी इधर कभी उधर उसको हम जानने के कोशिश कर रहे हम और वो हावे होने से क्या परिणाम होता है कैसा हम महसूस है करते हैं वो भी हम देखने की कोशिश कर कर रहे हैं और हम ये भी फर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल क्या होता है और इन्फ्लुएंस क्या होता है कंट्रोल आने उसको नियंत्रण करना और इन्फ्लुएंस आने और प्रभाव हम तो पर किस बात का ज्यादा प्रभाव है वो भी हम देखने की कोशिश करना चाहिए और जैसे ही मैंने उसका उदाहरण बताया कि उसकी हमेशा देते रहती थी, थी और वो उसको एक अपॉर्चुनिटी करके देखता था ये जो ऐसी विपरीत परिस्थिति जो 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 नकारात्मक बातें मैंने बताई नकारात्मक ना जोड़ी बताई उसको हमने अवसर करके देखना चाहिए अवसर अपॉर्चुनिटीज करके देखे हमने अपॉर्चुनिटीज करके देखे तो हम अपने आप में बदलाव भी कर सकते हैं उसको अवसर करके अड़चन नहीं समझना उसको अवसर समझना चाहिए इस तरह से हम देख सकते हैं और हमने उदाहरण तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे हम वो हैप्पीनेस और और पेन यानी सुख दुख जो है वो जोड़े की तरफ हम 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 जाएंगे और क्योंकि उसमें बहुत सारे महत्व की बातें हैं तो कुछ हद तक हम उसको देखने की कोशिश करेंगे और आ, उसको समझने की आ, कोशिश आ, करेंगे हम क्योंकि वो बहुत ही महत्व के और ये तीनों तीनों जोड़िया जो है वो सुख और दुख को वो लिंक करके आप, आपस में जोड़ती है आ, जो लाभ और हानि है निंदा और स्तुति है और यश और यपश है ये तीनों बातें जो है ये तीनों बातें जो है वो जो नकारात्मक बातें हमको सुख और दुख की भावना की तरफ लेके जाती है और सुख और दुख की भावना कैसे निर्माण होती है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे और समय पर अभी डिपेंड है हाँ ठीक है तो ये हम जिसको हैप्पीनेस कहते हैं जिसको प्लेजर कहते हैं या जिसको सुख कहते हैं जिसको हैप्पीनेस प्लेजर या सुख कहते हैं जो हम जो फील अनुभव करते हैं तो ये सर्वसाधारण सुख की हम बात करते हैं हम कोई लोकोत्तर सुख की हम बात नहीं कर रहे है. तो सुख कब महसूस होता है हमें जब अपने इच्छाओं की पूर्ति होगी मान लीजिए कि आपका बेटा है आपका बेटा उसको 99.9 परसेंट मार्क मिल गए आपको लगता है कि उसको मेडिकल में एडमिशन मिल जाना चाहिए हाँ और चाहे वो जो लिस्ट कितनी भी लंबी हो मिल जाना चाहिए आपका बेटा बहुत मेहनत करता है और एग्जाम भी होती है मिल जाती है हाँ मिल जाती है तो आपको बहुत खुशी होती है क्योंकि आपको लगता है कि बेटा ने जो मेहनत किया उसका फल मिल चुका है हमारी इच्छा थी वो मेडिकल में जाए हाँ, और बेटा मेडिकल में जाता है तो उसकी इच्छा पूर्ति होगी आपको खुशी होगी बराबर है आप चाहते हैं मुझे अच्छा सा प्लाट मिल जाए और मैं छोटा सा दो कमरे वाला मकान बना लू हाँ आ, खुद का किराया मकान में कितने दिन रहेंगे आपको आ, आ, आपको आ, मान लीजिए इंक्रीमेंट में मिलती है आपको और कुछ पैसा भी मिल गया कि आपका लोन मिल गया कोई बैंक ने लोन भी दे दिया आपका घर भी बहुत अच्छा हो जाता है आपकी इच्छा थी पूरी होगी आप बहुत खुश हो जाएंगे अब बेटे की शादी अच्छी जगह में होना चाहिए इच्छा इच्छा रहती है इच्छा की पूर्ति यही सुख वाली बात है इसको हम सुख देने वाली बात कहते हैं कभी पैसे की भी बात हो जाती है कि मेरे को इतना पैसा अगर मिल जाए तो मैं बहुत ही सुखी हो जाऊंगा फिर वो अचानक अः तो आपका एल आई सी का जो एल आई सी रहती है पॉलिसी वो मेच्योर होती है और आपको याद नहीं रहता कि हाँ अभी इतने में आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है बहुत ही खुशी होती है पैसा देखकर है ना क्योंकि हमारी इच्छाओं की ये आम इच्छा जो है सर्वसाधारण इच्छा है उसकी पूर्ति होती है लेकिन दूसरी भी बात है एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरी इच्छा निर्माण हो जाती है एक हमने, एक हमने हमने चखा नहीं अभी हमारे जीवा पर उसकी टेस्ट अभी बाकी है तो दूसरी टेस्ट करने के लिए वो जीवा लालयित हो जाती है उसको लगता है कि दूसरी भी टेस्ट मिल जाना चाहिए हाँ जैसे कि हम वो कोई पार्टी में जाते हैं शादी विवाह में जाते हैं बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं पानीपुरी है पानीपुरी पानी रखे है कभी चाइनीज है कभी स्वीट का है और कभी कुछ है हा? तो इस तरह से हम देखते हैं तो ये लो वो लो वो भी चखो वो भी चखो तवा भाजी लो या फिर पनीर लो ये सारी बातें तो ये लो वो लो हमारी इच्छा तो इस तरह से हम क्या करते हैं हम एक पूरा नहीं हुआ तो दूसरी चाहे जरूरत है कि नहीं वो हम देखते नहीं तो ये जो इच्छाओं की पूर्ति है तो एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरी निर्माण हो जाती है और हम अगर धर्म पे स्थापित नहीं है तो हम क्या करेंगे एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी इच्छा के पूर्ति की तरफ हम जाएंगे हमारी सारी शक्ति जो है उस दिशा में जाएगी हमारी सारी शक्ति उस दिशा में जाएगी और जब इच्छा स्ट्रांग हो जाएगी हमारी डिजायर स्ट्रांग हो जाएगी तो किसी ना किसी प्रकार से उसको हम प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं फिर फिर मार्ग वो वैध रहे चाहे अवैध मार्ग रहे चाहे सही मार्ग हो या गलत मार्ग हो तो उसको हम पाने की इच्छा रखते हैं क्योंकि हमारी इच्छा बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है उस समय हम की तरफ ध्यान नहीं देते मैंने पहले भी कहा कि इसका संबंध किससे है से है है ये जो आठ देख रहे हम इसका संबंध शील और प्रज्ञा से है ऐसा मैंने पहले भी बताया ठीक है क्या? इथिक्स एंड विजडम इससे संबंध है तो देखिए इसमें प्रज्ञा की भी बात मैंने कही और शिलो की भी बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि अगर फिर उसको हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे हम कुछ भी एड़ी चोटी का दम लगाएंगे लेकिन वो इच्छा प्राप्त कर पूरी करने की हम कोशिश करेंगे और कुछ इच्छाएं पूरी हो भी सकती है लेकिन जो अशमनीय है, इच्छाएं है, जिसके हम संतुष्टि नहीं कर सकते वो क्या होता है हमारा जो स्व है सेल्फ जिसको हम कहते हैं जिसको सेल्फ कहते हैं स्व कहते हैं उस स्व को स्व को संतुष्ट करने में लगी रहती है आमा, हमारी सारी इच्छाएं जिसको चाहे हम पूरी कर सकते हैं या पूरी नहीं कर सकते इच्छाओं को ये सारी इच्छाएं जो पूरी हो सकती है या नहीं भी हो सकती उसका एक ही मकसद रहता है हमारा जो स्व है वो स्व को संतुष्ट करने में वो इच्छाएं लगी रहती है यानी हमारी पूरी शक्ति अपने स्व को मैं मुझे मिलना चाहिए मैं सुखी होना चाहिए मेरे मालकित होना चाहिए मुझे ये प्राप्त होना चाहिए मुझे सारे चीजें मिलने चाहिए ये मैं मैं मुझे माइन मी एंड माइन और ये आय वाली बात है सो वाली बात है ये चीजों के पीछे ये, ये इच्छा पूर्ति की बात घूमती रहती है तो आचार्य शांति देव अवतार में क्या कहते हैं बोधिचर्या अवतार में वो कहते हैं जो ये हमारा शरीर है पंचेंद्रिय है ये पंचेंद्रिय से जो बना हमारा शरीर है हम देखते हैं क्या आपको पता है पांच इंद्रिय और एक छठा मन ऐसे छह इंद्रिय बुद्धिज्म में मानते हैं नहीं क्या तो ये जो हमारे इंद्रिय है ये इंद्रिय जो शरीर काम करता है इंद्रियों के माध्यम से इसको अपना नौकर समझिए नौकर को नौकर के जैसे पेमेंट देना चाहिए तो उसको मालिक ने बनाना चाहिए नौकर के हैसियत के हिसाब से उसको उसका काम जितना है उतना काम दो उतने उसको तनख्वाह दो उसका उसका उत, उतना पगार दो लेकिन हम क्या करते हैं वो नौकर को हमारे पास में बिठाते हैं नौकर को हम मालिक का दर्जा देते हैं और फिर वो मालिक बन जाता है और हम नौकर बन जाते हैं हम मन के नौकर बन जाते हैं मन हम पर ताबा करता है चल ये कर चल वो कर ये कर होना ये चाहिए कि मन को हमने अपना नौकर बना के अपने काबू में रखकर उससे हमने काम लेना चाहिए मन ही अब हम पर काबू कर लेता है और हम नौकर बन जाते हैं मालिक की जगह में तो नौकर को नौकर के जगह में रखना चाहिए उतना ही उसको पगार देना चाहिए तो इच्छा है जो है जो सेंशुअल प्लेजर्स जिसको हम बोलते हैं सेंशुअल प्लेजर सेंस नहीं? है इंद्रिय इंद्रिय जो इंद्रिय की इच्छा है ऐंद्रिक इच्छाएं जो है उसके बारे में हमने बहुत ही सजग रहना चाहिए हमको लगता है कि की इंद्र की तुष्टि की सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो बहुत सुख मिलेगा ऐसा नहीं है आप आइसक्रीम कितने भी बार खाओ दुकान के बाहर गए तो दूसरे दिन ऐसा लगेगा नहीं अपन अलग फ्लेवर का आइसक्रीम लेना चाहिए तीसरे दिन लगेगा चौ और कोई अलग फ्लेवर का फिर एड आती है टीवी पे पेपर पे आती है मैगजीन में आती है आपके न्यूज़पेपर में कुछ भी पर्चा आता है बहुत एडवर्टाइज uh, आती है लालयित हो जाते हैं हम उन चीजों को उन उन चीजों का उपभोग लेने के लिए हम लालयित हो जाते हैं चाहे हमारे बस में है या नहीं बच्चे कभी जीत करते हैं हमारे बस में भी नहीं होता तो भी हम पूरे करने की कोशिश करते हैं है क्या क्योंकि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा ऐसा रहता है तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए कि थोड़ी पूर्ति जो है जो जरूरत है उतनी पूर्ति तो अवश्य कर, करना करना चाहिए थोड़ी जो आवश्यक है उतना तो करना ही चाहिए लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर वो जो हमारे इंद्रिय ज्यादा की डिमांड करते हैं दिल मांगे मोर जिसको बोलते हैं ना ज्यादा अगर इच्छा करते हैं तो वहाँ रोक देना चाहिए भैया बस हो गया अभी ये सुख की बात है ना वो क्या है ये सारी चीजों का उपभोग कुछ क्षण के लिए मिलता है वो वो आइसक्रीम खत्म हो गई दुकान के बाहर आए तो उसका जो सुख है वह तो पांच मिनट घर जाते थके रहेगा और जब आप घर में आएंगे तो आइसक्रीम खाया था ये भी भूल जाएंगे क्योंकि वो टेस्ट वहीं पे वो घुल जाती हो तो किसी भी बात में आइसक्रीम का उदाहरण कोई भी बात से ले सकते हो बाइक लो मोबाइल लो फिर आपको 32 जीबी वाला आएगा जिसको बड़े मेमोरी वाला आएगा उसके साथ में आ, आ, फ्रंट कैमरेज आएंगे बैक कैमरेज आएंगे इतना मेगा का आएंगे तो हमारे पास में है तो उसको भी संतुष्ट नहीं रहे कि हम और कुछ पाने के हमारा काम तो चल रहा लेकिन फिर भी ऐसी इच्छाएं हमारे बढ़ते जाती है तो उसके बारे में हमने सजग रहना चाहिए क्योंकि इच्छाओं ये जो इंद्रिय पूर्ति के जो सुख है वो बहुत ही क्षणिक तो हमने ये देखना चाहिए हमने हमने ये देखना चाहिए कि ये जो भौतिक सुख वस्तुएं जो है वो क्या सही में हमें सुख दे सकता है क्या हमने मकान भी बना लिया बहुत मेहनत करके दो रूम का मकान भी बना लिया तो कभी किचन में उजाला नहीं आएगा तो हमको लगता है नहीं किचन इस तरफ में होना चाहिए कभी ऐसा लगता है कि यहाँ से बाइक्स बहुत जाती है घर के सामने से उसका डिस्टर्ब होता है तो मैंने इस तरफ में उसका मुंह कर दिया रहता तो अच्छा होता था कभी ऐसा लगता है कि ये खिड़की से हवा नहीं आती खिड़की उस तरफ होना चाहिए आने जो बनाया है, उसमें भी खुश नहीं रहते हम कुछ दिन के बाद में उसमें भी हम क्या करते हैं बहुत ये जो त्रुटिया है हम वो निकालते रहते हैं घर का है किसी किसी कोई भी चीज का कपड़े का रहे आ, सोफा है हर चीज में हम संतुष्ट नहीं रह सकते तो भौतिक वस्तुएं जो है भौतिक वस्तुएं सही सुख नहीं दे सकते बुद्ध ने अनेक बार बताने की कोशिश बुद्ध ने अनेक बार बताने की कोशिश की कि भौतिक तो वस्तुएं जो है वो हमें हमेशा सुख नहीं दे सकती तो इसके बारे में हमने सजग रहना चाहिए अभी हम देखते हैं करोड़पति लोग क्यों आत्महत्या करते हैं आपको पुनः का उदाहरण पता होगा एक एक बहुत ही उद्योगपति था वो घर छोड़ घूमने के लिए निकला घर और एक चिट्ठी रख दिया मैं जा रहा हूँ करके मोबाइल लिया साथ में और कुछ कपड़े लिए हो गए पता नहीं बहुत ढूंढे उन्होंने फिर अपहरण के केस हुए अपहरण के केस करके दर्ज हुए उसको ढूंढे इधर नहीं मिला उधर नहीं मिला वो जगह बदलते रहा वो इस जगह से उस जगह में गोवा गया गोवा से गुजरात गया गुजरात से आखिर में राजस्थान में उसका जो लोके उसका जो है मोबाइल का लोकेशन उसको पकड़ा तो तो वो तो चाहता था तो वो आत्महत्या कर सकता था नहीं यानी उस समय में उसको विचार आया उसने नहीं किया तब उसको बहुत फील हुआ गिल्टी फील हुआ मेरे परिवार का क्या होगा देखिए जिनके पास में करोड़ों रुपए है वो भी इस तरह से हताश हो जाते हैं इस तरह से वो निराशा में चले जाते हाँ तो हम तो सर्वसाधारण व्यक्ति है तो अभी ऐसा मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पैसा भी है आपके पास में तो भी आप खुश नहीं हो सकते तो भी आपको पता है ये जो अंबानी ब्रदर्स है अनिल अंबानी और वो मुकेश अंबानी दोनों का झगड़ा पैसों के लेकर हुआ पिताजी के डेथ के बारे में वो डिप्रेशन डिप्रेशन में चला गया था अनिल अंबानी और ये इसके बढ़ोतरी हो रही है उसको अपनी कंपनियां बेचना पड़ा और ये एक, के, एक से एक दूसरी कंपनी खरीद रहा है देखिए करोड़पति लोगों का भी यह हाल होता है वो आत्महत्या करते है अभी अभी के हाल में कोरोना के काल में जब ये लॉकडाउन था आपके पास पैसा है फिर आप कुछ नहीं कर सकते नहीं, ये इतने इतने ये परिस्थिति आई थी विपदा आई थी तो पैसा रहने से हम खुश रह सकते हैं ऐसा नहीं है कभी कभी पैसा रहकर भी हम वो चीज देखिए सुख की बात ऐसी है पैसे से तो आप डनला पिलो या फिर सेंचुरी की जो गाड़ी है मैट्रेस है वो खरीद सकते हो लेकिन पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते वो कितने भी जाहरात देंगे सेंचुरी जो सेंचुरी के जो मैट्रेस आती है यार की आती है और भी कोई आती होगी कंपनी की है क्या कि बहुत ये नरम है ये है वो सब नरम हो गए ठीक है लेकिन जो नींद है नींद तो आपकी है नींद को आप खरीद नहीं सकते पैसे देकर तो ये जो है ये भौतिक चीजें जो है उसकी मर्यादा होती है सुख हम पैसे देकर नहीं खरीद सकते ये बात हमने ध्यान में रखना चाहिए हाँ और इससे परेशानी भी हो जाती है इन चीजों के पीछे जब हम भागते हैं तो हम क्या रहता है मेंटली आप रहते है जो चीज करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हमारी शक्ति इसमें जाती है हम ये भूल जाते हैं कि मैं मैं किस मकसद से संग में आया था किस मकसद से मैं इस मार्ग पर चल रहा हूँ वो भूल जाते हैं और सारी हमारी शक्ति जो है वो सुख जो झूठा सुख है जो क्षणिक सुख है उसको मिलाने में उसको जुटाने में चली जाती है तो हमने ये भी देखना चाहिए कि तो सही सुख किसको कहना चाहिए सही प्लेजर किसको कहना चाहिए हाँ अभी जैसा टेक्निकल देखेंगे तो वो डिफरेंस भी है हैप्पीनेस में डिफरेंस है और प्लेजर में और प्लेजर इज डिफरेंट हैप्पीनेस इज डिफरेंट उसका वो जो टेक्निकल डेफिनेशन देंगे तो बहुत लंबी है समझने के लिए मैं ये शब्द वापर रहा केवल समझ, समझने के तो ऐसा है वो अलेक्जेंडर जो था अलेक्जेंडर के बात पता होंगे वो सारा सारे के सारे प्रांत काबिज करता गया युद्ध में बहुत इस, इस पर आक्रमण कर उस पर आक्रमण कर उसका आखिर में जब भारत के नजदीक आया और फिर उस उसने देखा अरे ये तो इसके आजू बाजू के सारे प्रदेशों को मैंने क्या कर लिया है मैंने काबिज कर लिया है मैंने मैंने जीत लिया है अब कुछ जमीन भी नहीं बची अभी इतना जीतने के बाद में भी उस, उसके इतने लालसा थे कि और मैं कुछ और जीतू लेकिन कुछ जमीन बचे नहीं जीतने के लिए कोई राज्य बचा नहीं उसके कारण वो दुखी हुआ यानी इतने राज्य मिलाने के बाद में भी वो दुखी हुआ यानी उसकी संतुष्टि नहीं हुई देखो उसको इससे तो सुख सुख मिलना चाहिए था वो तो दुखी हो गया कि अभी कोई भी राज्य नहीं है जिस पर मैं आक्रमण करूंगा देखिए ये ये अपने नजर के सामने में ये ये, ये उदाहरण रहते हैं इसको हमने समझना चाहिए समृद्ध देश हम देखते हैं अमेरिका देखते हैं और भी जो है पश्चिमांत देश है बहुत सारे संपत्ति ये है फिर ये कोरोना पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए युद्ध क्यों करते हैं हाँ बीमारियां क्यों फैलती है चाइना के पास में बहुत पैसा है क्यों बीमारी क्यों लाखों लोग मरते हैं अरे पैसा है तो सब चीजें कंट्रोल की जा सकती है ऐसी बात नहीं है ये जो वैश्विक वारा, जो जिसको मैं सांसारिक हवाएं कहता हूँ जिसको वर्ल्ड कहती हूँ वो हर देश में बैठती है हर जगह में बैठती है उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप पर कंट्रोल करो वो हवा अपने आप में अपना काम करेगी आप अपना काम कीजिए तो ये जो सुख की मैं बात कर रहा हूँ तो ये आ, ये बात ऐसी है ये क्षणिक बात है हमने उसको देखना चाहिए सही सुख जो है वो अंतर मन से आएगा सही सुख जो है हैप्पीनेस जिसको कहते हैं वो अंतर मन से आएगा है ना और संपत्ति जो है सत्ता जो है मान सम्मान है इससे नहीं आएगा वो आएगा सही सुख सुख जो है वो अंतर मन से आएगा मन अगर सुखी है आप संतुष्ट है तो वो सही सुख है वो तो कोई चुरा नहीं सकता कोई भी चुरा नहीं सकता है ना और ये जो बातें हम हासिल करते हैं, जो भी पैसा है धन है और जो भी है तो वो सही ढंग से हमने मिलाना चाहिए नहीं तो ये खो जाने का डर रहेगा चोरी हो जाने का डर रहे डर रहेगा क्योंकि ऐसा है कि चोरी का माल जो है वो चोरी हो जाता है ऐसा कहते हैं इसलिए क्या होता है कि ये खो जाने का डर रहता है हमेशा तो और एक और बात है कि किसी व्यक्ति को, आ, कोई अम, अमोक फलाने वस्तु जो है वो सुख देने वाली लगती है लेकिन वही चीज जो है वो दूसरे को दुख देने वाले भी लग सकती है देखने का नजरिया किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है उस पर भी वो डिपेंड रहता है कि दूसरे वही चीज एक चीज जो एक तो सुख देती है दूसरे को वो दुख भी दे सकती है कष्ट दे सकती है पीड़ा भी दे सकती है तो आ, इस पर आ, हमने ध्यान देना चाहिए बुद्ध ने चार प्रकार के अनाथ पिंडक को बताया आप बुद्ध और उनका धम्म पढ़ेंगे या फिर अनाथ पिंड की स्टोरी बताएंगे और धनी व्यक्तियों के लिए गृहस्थियों के लिए जो प्रवचन है वो जो प्रकरण है उसमें जब पढ़ेंगे तो चार प्रकार के सुख बताए हैप्पीनेस फोर टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस ऑफ पजेशन बताया यानी कुछ तो भी स्वामित्व किसी किसी वस्तु का स्वामित्व होने का सुख होता है ये हाँ जैसा की जैसा आरोग्य है मेरा हाँ आरोग्य आरोग्य अच्छा है तो मैं बहुत खुश हूँ हैप्पीनेस मिलेगा मुझे सुख मिलेगा मेरे पास धन है तो मिलेगा मेरी लंबी उम्र है तो मैं सुखी हो जाऊंगा मेरा सौंदर्य है तो सुखी मेरी प्रॉपर्टी है तो सुखी जवानी है तो सुखी अच्छे बच्चे है परिवार है तो मैं सुखी इस तरह से जो स्वामित्व जो जिसको जो हैं ये होने का ये सारी चीजें होने का सुख है दूसरा दूसरी बात कहते कह, हैं कि ये जो सारी बातें मैंने अभी बताया उस उससे मिलके से होने वाला सुख ये होने का सुख और वो जो होने पर उनसे जो सुख मिलता है वो एक सुख है मिलके मिलके जो मिल से वाला वाला, होने वाला जिसको भोग कहते उसको, उसको पहला जो मैंने अतित अत, सुख का कहते हैं दूसरा जो भोग है भोग सुख कहते हैं और तीसरा जो आम आदमी इसे खुशी का साधन मानते हैं इसको है ना और वो आवश्यक भी है ये सारी चीजें थोड़ी संपत्ति थोड़ा धन थोड़ा अच्छा परिवार ये मिले तो एक खुशी का साधन मानती है एंजॉयमेंट ऑफ वेल्थ तीसरा तीसरा जो सुख बोलते हो एंजॉयमेंट ऑफ वेल्थ आने जो आपने संपत्ति हासिल की है सही मार्ग से की है उसका उपभोग लेना भी एक प्रकार का सुख है सही मार्ग में कह रहा हूँ हाँ सही मार्ग अनाथ पीडक ने सवाल पूछा था बुद्ध को कि मुझ, मुझे भी प्रवजा लेना है तब उनको बताया था ये कि आप मत लो आप बहुत लोगों को मदद करते हो और आपके पास में जो संपत्ति है उसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ये बातें बताई है अनाथ पिंड को तो एंजॉयमेंट ऑफ वेल्थ वो कहते हैं कि स्वयं के और दूसरों के हित हित के लिए वो संपत्ति का उपयोग करना चाहिए दूसरे को देना चाहिए जो जरूरतमंद है हमारे परिवार के है नजदीक के दान किसको देना चाहिए किस चीज का देना चाहिए कैसा देना चाहिए कब देना चाहिए आपको ये पता है आदर्श में ये बात आई है है ना तो बुद्ध ये बताते हैं कि अपने पास में ज्यादा संपत्ति है तो पहले परिवार वाले रिश्ते वाले नजदीक के फिर पड़ोसी फिर और इस तरह से आप उसको बांट सकते हो आ? इस तरह से और वो बांटने से आप भी सुखी हो जाएंगे और वो वो भी सुखी हो जाएंगे इसलिए हमने दान देना चाहिए इसलिए हमें है ना क्या क्योंकि कर्म क्या है हमारे हमारे मृत्यु के साथ में धन संपत्ति तो आएंगे नहीं हमारे केवल कर्म आने वाले हैं है ना हम उसको देखते हैं कि हमारे कर्म ही केवल हमारे साथ में आने वाले हैं कहते बात जो है जो के लिए, जो हैप्पीनेस सुख सुख प्राप्ति के लिए बुद्ध कहते हैं कर्ज बाजारे नहीं होना चाहिए किसी किसी का देनदार नहीं होना चाहिए हमने बहुत सारे लोग जो है बेचारे गरीब लोग भी है ना वो बोलते हैं कि किसके चार पैसे नहीं लेना चाहिए जो है उसमें मैं गुजारा करूंगा भले मैं सुखी रोटी खाऊंगा लेकिन मैं किससे मांगूंगा नए पैसे क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे दरवाजे पे आएगा तुमको अपमानित करेगा लेकिन आजकल क्या हो गया आजकल बहुत सारे हैं में आपको है. पैसा मिलता है, है. है. खड़ा कर दिया हमारे आंखों के सामने हमारे जो इंद्रियों को आकर्षित करने वाली चीजें बहुत ही आसानी से उपलब्ध है जो आप कॉल करो फॉर्म भी ऑनलाइन भर दो आपको वहां आने की भी जरूरत नहीं ऑनलाइन भर दो ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा और चीज जो है ऑनलाइन आपके घर में एड्रेस दे दो मोबाइल होना चाहिए खाली आपके घर में शाम तक के हाजिर है यानी देखो एक प्रकार के कर्जे बाजारी है हमने बहुत सावध रहना चाहिए कि जो मॉल्स है हाँ बहुत सारे बहुत सारे आकर्षक स्कीम्स आते हैं इसमें कभी कभी तो ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं और बहुत सारे स्कीम्स होती है और उसमें भी कि आप सौ लगाओ तो दुगने हो जाएंगे ऐसे भी कुछ संस्थाएं आती है तो इससे हमने सजग रहना चाहिए हमने हमने जो है, जो है उसमें है उसमें गुजारा करने की कोशिश करना चाहिए जितना है उसमें पर्याप्त संतुष्ट रहना चाहिए ये चार प्रकार का सुख है और मिल्किस से मिलने वाला पोजिशन एंजॉयमेंट ऑफ वेल्थ और कर्ज बाजारी नहीं होना तो इस तरह से अन्ना सुख इसको कहते हैं अन्ना सुख कहते हैं संतुष्टि चिंता कर्जबाजारी नहीं कर, कर्जबाजारी होने से चिंता रहती है कोई तो भी हम पर उपकार कर रहा इस प्रकार के भावना रहती है हम क्या होते हैं कि हमारा जो आत्मसम्मान है वो उसको आत्म हम है कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है ये मांगने वाला कभी भी आ सकता है और कभी भी चार लोगों के सामने हमें वो अपमानित कर सकता है तो इसके लिए हमने ऐसे तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए निष्कलंक जीवन होना चाहिए निष्कलंक जीवन जीना चाहिए क्योंकि जो निष्कलंक जीवन जी, जित, जीतता है उसको लोग क्या करते हैं उसको पसंद करते हैं है बिना जीवन जीना चाहिए किसी चीजों के प्रति ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए चीजें जरूर होना चाहिए लेकिन उनके प्रति ज्यादा आसक्त भी नहीं होना चाहिए जितनी आवश्यकता है वो चीजें जो रही तो हम थोड़ा सुख महसूस कर सकते हैं हाँ जो हमारा हम हमें ऐसा लगता है कि इन चीजों से मुझे सुख मिलेगा तो वो थोड़े प्रमाण में रहे जितना सुख चाहे उतना प्रमाण में रहे उसके हाव करना उसके पीछे दौड़ना ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए हमारा जो जीवन है वो शिरो के आधार पर होना चाहिए हम हम दूसरी बात देखेंगे देखेंगे अभी हम पीड़ा को पेन को देखेंगे हम है क्या तो ये अलग अलग प्रकार से आती है ये अलग अलग प्रकार से आती है फिर अभी ऐसा है कि कभी पीड़ा जो है बीमारी के त... माध्यम से आएगी जो पीड़ा है दुख जो है वो बीमारी के माध्यम से आ सकती है बुढ़ापे के माध्यम से आ सकती है ये नेचुरल है बुढ़ापा नेचुरल है है ना और शरीर बीमार पड़ना ये भी नेचुरल है शरीर है बुद्ध को बुद्ध तो बुद्ध को पता है आपको बुद्ध को बहुत बार सर दर्द होता था बुद्ध को बहुत बार सर दर्द होता था बुद्ध को आखिरी आखिरी में तो अतिसार भी हो गया चुंद खाना खाने के बाद में आप देखते बुद्ध भी बीमार हो गए बुद्ध भी प्रवचन देते देते कहते थे कि मैं अभी थक गया हूँ आनंद मुझे आराम करना है कभी सारे को कहते थे कि इसके आगे की बात आप बताइए शरीर है, शरीर है। बुद्ध का शरीर, तो क्या हो? शरीर है है बुद्ध का तो क्या वो भी वो बीमारी को अनुभव करता था वो पीड़ा को अनुभव करता था बहुत दर्द हो रहा था उनको फिर भी वो सह रहे थे चलते चलते वैशाली से कुशनारा थक गए पीड़ा सहते सहते यहाँ सोए वहां सोए लेकिन वो गए बुद्धो को भी

आंखों से कम दिखता है कानों से भी कम सुनाई आता है ये सारी चीजें होती रहती है उतनी शक्ति नहीं रहती तो स्वीकार करना चाहिए ये बुढ़ापे के कारण है एक न एक दिन तो ये आने वाला था तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं उससे छुट छुटकारा पा सकता हूँ ऐसा नहीं का और बुढ़ापे से ज्यादा रोग से होने वाली जो पीड़ा है वो ज्यादा होती है बीमारी से होने वाली पीड़ा ज्यादा होती है वो हम कहते बीमारी क्या मुझे ही होना था होने थे कोई और मिले ही नहीं मुझे छोड़कर बाकी लोगों को बीमारी होना चाहिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको एक कभी मेरे पिताजी थे मेरे पिताजी कभी कभी वो मेरे पिताजी बयासी साल तक जिए तो कभी उनको बुखार आया वो क्या कहते थे सब कुछ हो जाए लेकिन बुखार मत आए फिर कभी पेट का पेट की बीमारी हुई कहते थे सब कुछ हो जाए लेकिन पेट की बीमारी ना हो जाए या ऐसा जो जो रोग है वो रोग को छोड़ के बाकी सब रोग हो जाए तो ठीक चलेगा उनको ऐसा ऐसा वो कहते थे लेकिन इस तरह से हम हम लोग भी सोचते हैं अरे ठीक है भैया या, ये ये इतने डेंजरस बीमारी जो है हा? क्या मुझे ही होना था ऐसा हम सोचते हैं लेकिन वो बीमारी बीमारी है हा? उसको हम टाल नहीं सकते उसको हम टाल नहीं सकते हाँ कुछ हद तक टाल सकते है सजग रहे जैसे वायरस है अभी ये है वो है जैसे अभी चल रहा है उसको हम टाल सकते हैं हम सावधानी बरते लेकिन कुछ बीमारी ऐसे है कि उम्र के साथ में भी

मर जाऊं तो अच्छा है ये बीमारी मैंने सकता और बहुत लोग फिर क्या करते हैं वो बाथरूम में जाते हैं अभी देख के कोरोना के आपके नागपुर में ही दो दो पेशेंट है उन्होंने फांसी लगा दिया ये दो दिन के पहले की बात है एडमिट थे एक बाथरूम में और एक घर में भी बोले कि क्यों मैं उपेक्षित महसूस करता हूँ इस बीमारी के कारण मैंने उपेक्षित महसूस किया उसने फंदा लगा दिया गले में नागपुर का उदाहरण शायद ये दो दिन के पहले वाली बात होगी शायद ये तो ये जो ये ऐसा लगता है कि उससे मृत्यु अच्छी हाँ कभी कभी दांत का दर्द होता है दाढ़ का दर्द ना क्या अरे बहुत औसानी होता है सारा ध्यान आपका पूरा उसी की तरफ में लगा रहता है बाकी किसी चीज की तरफ आप देखने इतना इतना दर्द होता है दा हाँ और, और लोग कहते भी है कि एक बार तुमको हो जाए तो फिर पता चलेगा कैसा जब हम कहते हैं अरे क्या दाढ़ का दर्द है दाँत का दर्द सही नहीं सकता इतना चिल्ला रहा है तो वो होता है तुमको हो जाएगा तो पता चलेगा है ना तो दाढ़ का दर्द भी कभी कभी सर दर्द भी बहुत ही असह्य हो जाता है तो ये है कि बीमारी में इस तरह से अगर हम सोचते हैं कि ये तो शरीर का धर्म है बीमार होना ये शरीर का धर्म है तो हम ज्यादा परेशान नहीं होंगे हाँ नहीं होना चाहिए हाँ और किस, किसी भी कीमत पर उस, उसको हम टाल नहीं सकते ये भी हम बात जानना चाहिए हमने समझना चाहिए इससे भी भयंकर बीमारी हो सकती है ये अगर हमने सोचे तो इस इसकी जो तीव्रता है इसका जो दुख है इसका जो पीड़ा है वो शायद कम हो सकते हैं अरे भैया लोगों को तो इससे भी ज्यादा है मेरे को तो कम है इस तरह से आपने सोच बना लिया तो आ, ये, आ, हो सकता है है ना तो यह देखना चाहिए हमने कभी-कभी प्रियजनों का वियोग कहते हैं हमने क्या अपने करीबी लोग छोड़कर चले जाते हैं अचानक हम हम मन में सोचते भी नहीं इस तरह से वो उनका देहांत हो जाएगा इस तरह से वो दो तीन दिन के बीमारी में निकल जाएंगे जवानी में निकल जाएंगे इस तरह से हम आ, बात करते हमारा सगे हमारे परिवार के और अभी आ, आम आम आंखों के सामने सारी बातें हो रही आप उनको छू भी नहीं सकते और आप उनका अंत संस्कार भी कर नहीं सकते इस तरह के भी बातें हो रही है तो ये जो प्रियजनों का वियोग है ये भी दुख देने वाली बात है ये भी हमें पीड़ा देने वाली बात है हमें हमें पीड़ा पेन में डालने वाली बात है तो ऐसी परिस्थिति में हम केवल एक कर सकते हैं अपने आप को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने के मनस्थिति हम ठीक कर सकते हैं उसको स्वीकार कर सकते हैं है ना तो तो ये है तो ऐसा है ऐसा कि बुद्ध के काल में भी आपने देखे होंगे जो बुद्ध वहाँ पे दो दोशंबे में जब थे कोशंबे में जब थे तो एक शुत्राचार्य और एक विनयाचार्य करके ऐसे दो गुट थे वो पाने के माठ जो टॉयलेट में पानी रहता है कोई बर्तन रहा होगा पॉट कहते उसको उसके पानी के कारण में तो एक गुट दूसरे गुट पर आरोप करने लगा आपस में लड़, लड़ने लगे झगड़ने लगे ना गांव वालों तो बात गए गांव वालों ने उनका दाना पीना बंद कर दिया बुद्धो समझाए बुद्ध बुद्ध गए समझाने के लिए बुद्ध को भी उन्होंने क्या कहा आप अपना काम कीजिए हम देख लेंगे अपना हम सक्षम आप हमसे दूर ही रहो बुद्ध वहां से चले गए जंगल में चले गए जहां पर तीन अनुरुद थे तीन अनुरुद थे वहां पर चले गए और तीन महीने का काल वो जंगल में बिताया। को भी इस तरह से जो मानसिक दर्द है पेन है अपने से, अपने लोगों से जो दर्द हुआ वो भी को बचाना को, को पड़ा हजम करना पड़ा और फिर वो वहां पर निकल गए थे हम देखते हैं पट्टाचारा की कहानी देखते हम सुनते हैं तो आंखों में पानी आ जाता है हां? तो दो बच्चे पति भाई पिता सब कुछ खो गई वो सब कुछ खुज जाती है जाती किसके लिए है कि भाई वहां पर डिलीवरी हो मैके में डिलीवरी हो नदी पार करती है और सारी चीजें वहां पे बह जाती है 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 ना बच्चे बच्चे बच्चा मर जाता दोनों दोन से मरता है, पिता भी और वहां जाकर देखते हैं तो बोले अभी तूफान आया था दुकान में सब सारा उसका तहस नहस हो गया है कितना बड़ा दर्द है कितना बड़ा दुख है हम किस्सा गौतम में की बात देखते हैं एक लौता पुत्र एक लौता पुत्र वो मर जाता है मर जाता है बुद्ध के पास में जाती है बुद्ध उनको क्या सारे बहुत ही उपाय कौशल से उनको जमीन पर लाते हैं, उनको वास्तविक जो वास्तविकता है उसका वो एहसास के देते हम स्वयं बुद्ध के शाक्य कुल की भी बात करते हैं, इस शाक्य कुल के बहुत सारे युवकों को मारा गया उनका कत्ल कर दिया गया जो होनहार लोग थे उनका पूरा का पूरा शाक्य वंश को मिटा दिया गया ये तो बुद्ध बुद्ध के समय की बात है तो इस तरह की जो पीड़ा है इस तरह का जो पेन है ये तो आते जाते रह, ये तो लगा रहता है कभी सुख लगा रहता है तो कभी दुख लगा रहता है मैं मैं ये ये सारे उदाहरण बातें आपको तो इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ बातें होती है हम भी इन चीजों का अनुभव करते हैं कभी सुख का करते हैं कभी दुख का करते जब भी हम निंदा का करते हैं कभी स्तुति का करते हैं तो हम अपने आप के जीवन में जो भी अनुभव किए हैं उनको आप देख सकते हैं किस तरह से अनुभव किए उस समय में आपने उनको कैसे देखा इस तरह से उसको देख कर आप एक दूसरे से जब घुट में जाएंगे तो उसको साझा कर सकते हैं किस तरह से आप आप वो परिस्थिति से बाहर आए वो भी आप बता सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी उस, उससे कुछ सीख सकते हैं या फिर आपके मनस्थिति कैसे रही आपने क्या क्या कार्य किए ब्रह्मा ने किस तरह से मदद किया ये भी आप बता सकते हैं तो ये कैसे है कि जो धम्मों में स्थापित लोग हैं उसको किस तरह से देखते हैं और जो धम्मों में स्थापित लोग नहीं है उसको किस तरह से देखते हैं ये बातें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ये सांसारिक हवाए के द्वारा मैं बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की और लगभग एक घंटा हो गया है तो मैं इसको अं हाँ पर आ, मैं रुकना चाहूंगा ताकि आपको आ, आ, समय मिले चर्चा करने के लिए और ये जो और भी है हम कुछ टेक्निकल बातें भी देखेंगे हैप्पीनेस के बारे में या फिर और भी चीजें जो है कुछ बचा है जो मेरे पास में है मटेरियल उससे हम देखने की कोशिश तो थोड़े तत्व को भी देखने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपने मुझे लगभग एक घंटा आपने मुझे सुना बहुत ही शा, शांतता से सुना और आज के शुरुआत भी बड़े अच्छी हुई अच्छे गाथापटन से हुई हमने जस्ट सिटिंग किया आ, हमारे होस्ट भी बहुत सजग है वो कौन लोग ज्वाइन हो रहे हैं कौन लोग वेट वेटिंग रूम में वो देख रहे हैं और वो जो आकाश जी मिश्रा हैं उन्होंने भी आ, मेरे ख्याल से यूट्यूब के लिए सहायता की है तो ये सारे आपके सेंटर के सभी धर्मचारी धर्मचारणियाँ और जो भी मित्र है इसको जो ऑर्गेनाइज करने में जो लगे हैं मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे मैं विदा लेता हूं और जय भीम धन्यवाद